मैं मीना पाटीदार उज्जैन उपासना केंद्र से। मेरा एक अनुभव है, मैं मेरे हस्बैंड खेती वो खेत पे गए थे, मजदूर भी थे वहाँ पे और लहसुन छट रही थी, मतलब लहसुन के बोरे थे 25-30 बोरे थे उसमें। इनकी क्या मालूम वो अंगूठी थोड़ी ढीली थी, अंगूठी मतलब अच्छी थी, भारी थी वो, मतलब 1-1.5 तोले की थी, तो उसमें लहसुन में निकल गई। और सारे इतने सारे मजदूर, 25-30 मजदूर, तो 15-20 मजदूर, तो सोचे कि अब तो क्या मिलेगी वो। फिर ने मेरे को घर पे फोन लगाया कि मेरा तो ऐसा हो गया, अंगूठी घूम गई, अब तू तेरे बापूजी को मानती है तो तेरे बापूजी से कुछ तो बोल, क्योंकि कभी मिले तो। तो मैंने वो लगाई अगरबत्ती और मन सामर्थ्य दाता का जाप करने लग गई, दीपक लगाया बापू के पास 5 बजे। फिर वो मतलब उनको भाइयों को भी बोल दिया इन्होंने कि जो मिलेगा मैं आपको उसमें से दूंगा, कुछ भी दूंगा आपको, मेरी वो ढूंढनी है आपको। उनने सबने ढूंढी, मतलब पूरी कट्टे खाली करी वापस, 35 कट्टे खाली करे सबने। फिर उसमें अंगूठी ढूंढी, नहीं मिली। फिर मतलब जैसे कचरा रहता इतना सा तगरी में बचा, इतना सा मतलब 1-2 किलो, उसमें अब तो क्या मिलेगी, कहीं मालूम कोई ने रख ली वो, नहीं मिली नहीं मिली। फिर फोन लगाया, नहीं मिली। फिर मैंने बोला बापू जी ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं मिली कैसे नहीं मिली। फिर ये गए तो उस तगरी को उठाया, उसमें हाथ भरा तो अंगूठी हाथ में आ गई उनके। महंगी वो बोले कि तेरे बापू जी है, वही बोलने लगे कि तेरे बापू जी है। और मतलब मैं सोचती थी कि मैं बापूजी के वहाँ जाऊंगी, सबसे पहले जाऊंगी, मतलब रटन रहती है अपने को कि बापूजी के वहाँ बॉम्बे जाना है, गुरुक्षेत्र जाना है। तो मैं तो नहीं गई, मेरे पति को वहाँ जाना था विदेश कंपनी ट्रिप से, तो गए तो मतलब इतनी बारिश हो रही थी उस टाइम, तो जाके आ गए और मैं यही रह गई। जो मतलब यहाँ आते नहीं है कभी उपासना उपासना में, पर वो मानते जरूर है। घर घर से बाहर जाएंगे, बापू की उद्धि लेके जाएंगे, बच्चों को भी लगाएंगे। मैं भूल जाती तो याद कराते कि आज मैं जा रहा हूँ, मेरे को ये लगा दे। हरी